हेलो गाइस, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही मैं एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल इतने ज़्यादा हमारे पासवर्ड, इतने ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं कि सब को याद रखना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। डायरी पे लिखे हैं तो बाहर होते हैं, तो डायरी साथ ना हो तो भी मसला होता है। मोबाइल में सेव करें तो मोबाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसका हम बाज़ औक़ात हम में से काफ़ी सारे लोग जो कि डिजिटल वर्ल्ड को, मोबाइल्स को, लैपटॉप को यूज़ करना जानते हैं, वो इसको गूगल में सेव कर लेते हैं। अब जब हमें नए मोबाइल से ट्रांसफ़र होना होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या है, और वो पहले से सेव होता है जबकि शो नहीं हो रहा होता। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि हम कैसे अपने सेव पासवर्ड निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने ओल्ड जो पासवर्ड हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं अब गूगल की जानिब। हम सबसे पहले क्रोम को ओपन करेंगे, बल्कि सबसे पहले मैं आपको अपना जो सेव्ड पासवर्ड पेज है वो ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक पैनल है जहाँ से सोशल मीडिया सर्विसेज फ्री में आपको, लोगों को फ्री में कुछ मिलती हैं, बाकी ज़्यादातर पेड हैं, तो वो मिलती हैं बहुत इजी में। ये देखें, अब ये इसने मुझे बता दिया है, तो इधर से मुझे शो नहीं हो रहा, जस्ट मैं साइन इन कर सकता हूँ, ठीक हो गया। तो अब जो है हम, मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका जो मैंने इस मोबाइल में सेव किया पासवर्ड वो मुझे मिल जाए, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपल जाऊँगा सेटिंग में। सबसे पहले आप लोगों ने इस तीन डॉट्स को क्लिक करना है, उसके बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, डाउनलोड्स, बुकमार्क्स, आपने इसमें से किसी को भी टच करना, आपने सीधा जाना है डायरेक्ट सेटिंग पे। ये सेटिंग, ठीक हो गया। इधर आपका जो है वो गूगल अकाउंट शो करवाएगा जिस अकाउंट में आपके सेव होते हैं। अक्सर अवकात ऐसा भी होता है कि आपका इधर जो है वो जीमेल और लॉगिन होती है, और जिस पे पासवर्ड सेव होते हैं वो लॉगिन नहीं होती, तो फिर हमें मसला आता है कि हम अपने वो पासवर्ड और वो वगैरह सब किस में सेव करें। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को याद रख लेना है कि यहाँ पे कौन से जीमेल आपकी लॉगिन है। ये आप सिंपली अगर जाएं तो कोई भी न्यू टैब, तो इधर से आपको पता चल जाएगा कि ये देखें, ये इधर से ऊपर से कि कौन सी आपकी लॉगिन है। वो डायरेक्ट सेटिंग की बजाय आप इधर भी जा सकते हैं, या आप सबसे नीचे जाएंगे कोई भी टैब ओपन करने के बाद। फॉर एग्जांपल मैं इधर फेसबुक लिख देता हूँ, तो ये एंड पे देखें ये आपको शो कर रहा होगा। इधर एक आपके पास स्विच अकाउंट का भी ऑप्शन होता है, आप दूसरा कौन सा इनमें से लॉगिन करना चाहते हैं, खैर वो और है। तो अभी आपने देखा, हम सिंपली कोई भी न्यू पेज ओपन करके इस पर क्लिक करेंगे, या हम इन तीन डॉट्स को क्लिक करके सेटिंग में चले जाएंगे। ये हमारे पास थर्ड लास्ट जो है वो सेटिंग वाला ऑप्शन है, तो हम इसको सेटिंग में चले जाएंगे, ठीक हो गया। अब देखें इधर काफ़ी सारी हमारी सेटिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, बाकी जो है वो इनकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चले कि जो फैसिलिटीज़ हमें ये इंटरनेट दे रहा है, गूगल दे रहा है, हम उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। ठीक हो गया, ये आपके ये इधर पासवर्ड्स होंगे, तो आपने पासवर्ड पे क्लिक कर देना है, तीन डॉट्स पे, उसके बाद सेटिंग में, उसके बाद तीन डॉट्स पे। अब देखें, अब ये ऑप्शन है, इसको अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो मेरे पासवर्ड सेव नहीं होंगे, तो इसको आपने लाजमी ऑन रखना है। ये जब आप ऑन रखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके पासवर्ड सेव रहेंगे, तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और ये चीज़ अगर ये चीज़ नहीं है, आपने ऑफ़ की हुई है, तो पासवर्ड आपने सेव कर दिए हैं, तो वो इसमें सेव नहीं होंगी और आपको काफ़ी मुश्किल जो है उसका सामना करना पड़ सकता है अगर आपका मोबाइल गुम हो गया या आपने किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है। तो इसको ऑन कर लेना है, ऑटो साइन इन ये भी आपने ऑन कर लेना है। इसका मकसद ये होता है कि जैसे मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में एक जो वेबसाइट है उस पर गया, तो ऑटो साइन इन हो गया, मतलब उसमें वो सारा पासवर्ड पहले से ही था, ठीक है। अब ये मेरे जितने भी पासवर्ड हैं ये देखें, ये इधर सेव हैं। बेस्ट पैनल इसका मैंने किया था, तो ये देखें ये पैनल मेरे सामने आ गया। अब आपने इसको इस आई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये देखें, तो ये आपके पास पासवर्ड मांगा है। जहाँ जब भी आपने इसको, अब मैंने फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो मेरे जितने भी पासवर्ड हैं इससे रिलेटेड वो टोटल शो हो जाएंगे। तो अब मैं आपको शो करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे इधर पासवर्ड काफ़ी हैं, तो प्राइवेसी होती है, तो बाकी काम जो है ये सिंपल इस तरह का ईजी है।
तो ये जिस जिस तरह के आपने आजकल अकाउंट्स बनाए हुए हैं आज तक जितने भी, तो वो हर एक इधर आपके पास अवेलेबल होगा। तो ट्विटर का देखना चाहें तो ये देखें, आपको ट्विटर का मिल सकता है, जस्ट इस आई वाले पे क्लिक करना है आपने। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह।